एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं भी आई हूँ किचन में पूड़िया बनाने के लिए, डो बनाने के लिए आटे का, क्योंकि मुझे बनाना है पूड़िया। बिकॉज इसका बहुत बड़ा स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ना मैं आटा वगैरह ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस देखो, इधर एकदम अच्छे से सॉफ्ट सा डो बना लिया मैंने। देखो देखो, सब आता है मुझे। सो गाइज, इधर मैंने बना लिया, ये देखो, मम्मी बस फ्राई करेंगी इसे। मम्मी ना उधर चाय से खा रही है और मैं इधर टोमेटो सॉस से, क्योंकि मुझे केचप से खाने का बहुत मज़ा आता है। आई मीन केचप से खाने से ना मुझे अच्छा लगता है, आई लव। बस अभी इतना ही लेती हूँ, बाद में चाहिए तो और भी डाल दूँगी। ब्रेकफास्ट तो कर लिया और सॉस के साथ खाने में ना काफ़ी टेस्टी लगा मुझे, सच्ची बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। और मुझे वैसे भी सॉस बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अभी बाहर आज ना थोड़ा सा धूप है, तो अभी थोड़ा सा बाहर बैठी हूँ, थोड़ा सा पढ़ूंगी क्योंकि मंडे को एग्ज़ाम है। कितना बार बोलूँ आप लोगों को मैं। और हाँ, मैं बताने वाली थी कि क्या हुआ पता है, डालिया मम्मी ने बनाया था पापा के लिए, वो थोड़ा सा बचा हुआ था तो वही पापा के लिए बना दिया, ठीक है, और वो मैं पापा को दे आई। उसके बाद क्या हुआ, मुझे लगा कि शायद मम्मी के लिए भी होगा क्योंकि मैं तो खाती नहीं हूँ डालिया, तो मैंने सोचा कि रहने दो, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मम्मी का बस हो जाए तो हो जाएगा। तो उसके बाद मम्मी बोल रही कि नहीं, थोड़ा सा ही बस था। तो इसके बाद मैं गई किचन में, जाके मैंने रोटी वगैरह, रोटी नहीं छोड़ी, पूड़िया बनाया, डो बनाया, और मम्मी ने पूड़िया तला और बहुत टेस्टी हुआ। इतना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी था कि क्या ही बताओ, बहुत टेस्टी था। और सॉस के साथ खाने में तो काफ़ी टेस्टी लगा मुझे। अभी ना गाइज, मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ, ये देखो मेरा बुक्स वगैरह, थोड़ा सा मैं पढ़ लेती हूँ और अच्छा नहीं लग रहा इसलिए। टाटा। बाहर से ना अंदर आ गई, बाहर थोड़ा ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे अभी, अंदर आती हूँ तो ठंड लगती है। और अभी मैं अमरूद खा रही हूँ। गाइस अभी चलो मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी क्या पका रही है। आज तो वेज है, ऑफकोर्स वेज ही पका रही है। और इधर पनीर को फ्राई कर दिए और इधर मसाला रेडी करके रखा है, आज बस पनीर ही बनेगा, ठीक है। और इधर शायद से आलू बॉईल कर लिए। सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी फिर से मैं आई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। अभी जस्ट नींद से उठी, मैं सोई थी 3:10 को, अभी बज रहा है 4:41, तो उठी हूँ। और थोड़ा सा ठंड लग रही है, अभी लीक रही थी, अभी भी नींद पूरी नहीं हुई मेरी, अच्छा नहीं लग रहा, जुकाम भी हो गया। और मम्मा ने जो सुबह बनाया था पनीर करी, वो मैं आपको दिखाना भूल गई, तो मैं भी आपको दिखा देती हूँ। तो अचानक से मुझे भी याद आया, तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो अभी थोड़ा सा दिखा देते, बहुत टेस्टी हुआ था सच्ची। और खाने के टाइम ना पापड़ भी खाया था, मम्मा को बोला था फ्राई करने के लिए, और अभी इतना ज़्यादा जुकाम हो गया ना, उन्हें मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो यहाँ देखो पनीर करी, रात को खा लेंगे तो हो जाएगा। तो मैं अभी जल्दी से चाय बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ।